क्षेत्रीय अस्पताल उन्ना के 4 कर्मचारियों समेत 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 2 स्टाफ नर्स, 1 लैब अटेंडेंट और 1 नेत्र विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों मेडिकल करवाने के लिए सैकड़ों शिक्षक क्षेत्रीय अस्पताल पहुँचे थे। ऐसे में अब संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या अधिक हो सकती है। आनंद फानंद में विभाग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय अस्पताल उन्ना के 4 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अस्पताल में तैनात 40 और 45 वर्षीय 2 स्टाफ नर्स, नेत्र विभाग का एक 45 वर्षीय कर्मी और एक 21 वर्षीय लैब अटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे। उपमंडल बगाना के खुरवाई की 43 वर्षीय महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। ये भी क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार करवा रही थी और फ्लू के लक्षणों के चलते इनका सैंपल हुआ था। जबकि ऊना शहर के आर्य नगर का 31 वर्षीय युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उक्त युवक कुछ दिन पहले बद्दी से लौटा था और इसमें भी फ्लू के लक्षण थे। वहीं कुटलैड क्षेत्र के टांडा अपर का रहने वाला 36 वर्षीय सेना के जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये सैनिक सिक्किम से लौटा है और संस्थागत क्वारंटीन में था। इसके अतिरिक्त गगरेट उपमंडल के घनारी का 34 वर्षीय सेना का जवान कोरोना संक्रमित पाया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आया था और संस्थागत क्वारंटीन में है। वहीं अस्पताल की 2 नर्स जो कोरोना पॉजिटिव आई हैं, वे डीसी उन्ना से मिली थी, जिस कारण डीसी उन्ना ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनका ऑफिस भी बंद है, जबकि बाकी सभी ऑफिस खुले हैं। वहीं उन्ना अस्पताल की 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू रहेगी। कोरोना पॉजिटिव 4 पर्सन आए हैं सर अपने उन्ना हॉस्पिटल में, क्या स्थिति है सर? हमको क्वारंटाइन कर दिया गया है और आइसोलेट कर दिया गया है और उनको उसकी स्थिति देखते हुए हॉस्पिटल जो है 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज दी जाएंगी लेकिन बाकी रूटीन ओपीडी बंद कर दी गई है और पूरा ऑर्डर कर दिया गया है कि जो जितना भी हॉस्पिटल के कमरे हैं, रूम्स हैं, उनको सबको 2 दिन में सैनिटाइज किया जाएगा। सर अभी तक सर कितने मामले हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में? अभी जो लेटेस्ट मामले हैं वो 4 मामले आए हैं पॉजिटिव। 2 स्टाफ से नर्सेज है, 1 लैब अटेंडेंट है और 1 ऑप्थेल्मिक ऑफिसर। सर जो कुछ दिन पहले 300 टीचर की सर टेस्टिंग हुई थी, तो सर उस मामले में सर क्या किया जा रहा है? उस मामले में आज के अखबार में ये है कि जो उस ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के कॉन्टैक्ट में जो आए थे, उनको ये सलाह दी गई है कि वो 6 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाए। ये CMO साहब ने ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुवाला की विशेष रिपोर्ट।